नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, ये कंपनी का शेयर जो है कुछ खास तेजी नहीं बना रहा है। कंपनी में अभी बहुत सारे अपडेट्स आया है आईआरबी इंफ्रा में, और कुछ दिन पहले आईआरबी इंफ्रा ने एक जो है बहुत सारी डिविडेंड भी दिया है, मतलब इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रहा है कंपनी, यहाँ पे फंड रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, यहाँ पे बोलते कि ऐसे पॉइंट है देखना चाहिए कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स स्टेक सेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोमोटर्स ने बहुत सारे स्टेक्स जो है सेल किया है। स्टेक क्यों सेल कर रहा है प्रोमोटर्स, क्योंकि कंपनी को जो अभी फंडिंग की बहुत ही जरूरत है। कंपनी को अभी यहाँ पे आगे ग्रो करने के लिए या फिर यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस करने के लिए इसको बड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत है। कंपनी के पास देखेंगे तो आईआरबी इंफ्रा के पास पहले से ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी के पास जो कंपनी का जो है ऑर्डर बुक है। और अभी भी देखेंगे तो कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है लाइन अप में है। तो अभी यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा का शेयर का प्राइस 58.95 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है, क्या चल रहा है आईआरबी इंफ्रा के शेयर में, आईआरबी इंफ्रा को लेके क्या अपडेट आया है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। आईआरबी इंफ्रा का शेयर का दोस्तों यहाँ पे वन मंथ, मतलब माफ कीजिए वन ईयर में देखते हैं तो ये शेयर जो है 81.94% का इसने वन ईयर में रिटर्न दिया है, 81.94% रिटर्न। तो एक बहुत बड़ा रिटर्न जो है आईआरबी इंफ्रा के शेयर ने वन ईयर में दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वन मंथ में शेयर का प्राइस 3.34% डाउन हुआ है। कंपनी बहुत ही जल्दी Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है, हो सकता है कि कुछ खास रेवेन्यू वगैरह नहीं दिखे। अभी यहाँ पे कंपनी का जो एक अपडेट आया है आईआरबी इंफ्रा में कुछ दिन पहले, जहाँ पे आईआरबी इंफ्रा का जो टोल कलेक्शन है जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, 500 करोड़ के आसपास जो कंपनी का टोल कलेक्शन हुआ है। एंड अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी का टोल कलेक्शन बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक हफ्ते में 2.78% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं एक दिन में जो है आईआरबी इंफ्रा का शेयर थोड़ा सा तेजी बनाया, जो कि 0.55% के आसपास जो है शेयर का प्राइस शेयर ने जो है रिटर्न दिया है। जैसे कि एक अच्छा खासा जो बोल सके डिविडेंड देता है इन्वेस्टर्स को, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिया है, जो कि अब जिससे कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। डेप्टर डे जो यहाँ पे रिड्यूस किया गया है आईआरबी इंफ्रा के ओर से। कंपनी को लेके और भी जो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि शेयर का प्राइस जो है इसका जो बुक वैल्यू है आईआरबी इंफ्रा का, तो उससे 2.59 टाइम्स में शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक जो कि रिड्यूस किया है, जो कि हम लोगों ने देखा है कुछ अपडेट जो यहाँ पे आया है, 3.97% के आसपास जो है कंपनी यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है। कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स, कंपनी का देखते हैं पिछले 5 ईयर्स में आईआरबी इंफ्रा का जो सेल्स है 2.01% के आसपास डाउन हुआ है। कंपनी हैज बोलते हैं कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.56% ओवर 3 ईयर्स, प्रोमोटर्स हैव प्लेस्ड 53.3% ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो मतलब यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा के प्रोमोटर्स ने 53.3% स्टेक होल्ड, मतलब जो है प्लेस्ड पे रखा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है आईआरबी इंफ्रा में। तो कंपनी का जो बोलते हैं कि अभी जो है इसने एक फंड रेस किया है, एक बहुत ज्यादा जो है फायदा साबित हो सकता है, फायदेमंद साबित हो सकता है आईआरबी इंफ्रा के लिए। कंपनी का जो यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा में अभी देखते हैं तो इसका सेल्स वगैरह है कंपनी का क्या चल रहा है, तो Q1 25 में देखते हैं तो आईआरबी इंफ्रा का जो सेल्स है 2061 करोड़ से जो डाउन होके रिड्यूस होके सेल्स कंपनी का 1853 करोड़ हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1307 करोड़ से एक्सपेंसेस जो यहाँ पे रिड्यूस होके 1049 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 755 करोड़ से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके 804 करोड़ हुआ है। कंपनी का जो बोल सकते कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आईआरबी इंफ्रा का, जो कि आप देख सकते 309 करोड़, मतलब 309 करोड़ से जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे रिड्यूस होके 229 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 189 करोड़ से जो है रिड्यूस होके 40 करोड़ हुआ है। मतलब Q1 25 में कंपनी का बिजनेस कुछ खास नहीं हुआ है आईआरबी इंफ्रा का। तो आईआरबी इंफ्रा में कुछ रिसेंट जो अभी न्यूज आया है जिसका एक इम्पैक्ट शेयर में पड़ा है, शेयर का प्राइस तेजी बनाया। कंपनी का लेके जो अपडेट आया कि मतलब कंपनी जो है 200 मिलियन का जो फंड है
वो रेस किया है। देखिए ये बहुत दिन से चल रहा था कि कंपनी यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे फंड रेस करेगी। अभी यहाँ पे फिलहाल 200 मिलियन USD जो कंपनी फंड रेस किया है। प्रोमोटर्स का देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने जो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास स्टेक जो है पिछले क्वार्टर में भी सेल किया था, तो अप्रोक्स देखेंगे तो कंपनी जो यहाँ पे मतलब प्रोमोटर जो यहाँ पे स्टॉक सेल करके स्टेक सेल करके लगभग 1512 करोड़ के आसपास फंड एड किया है। अभी यहाँ पे दिस सेल इन्वॉल्व 240 मिलियन शेयर्स विद अ फ्लोर प्राइस रेंजिंग जो कि 63 से लेकर 72.7% शेयर के आसपास है। तो कंपनी यहाँ पे मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। जो अभी यहाँ पे देखेंगे आईआरबी इंफ्रा जिसका अगर देखते हैं ऐसे कुछ रिस्क मेजरमेंट भी है या फिर रिस्क मेजर्स भी है जो देखना चाहिए कि कंपनी जो एक हाई डेप्थ लेवल में चल रहा है। आईआरबी कंपनी हैज सिग्निफिकेंट मतलब बोल सके अमाउंट ऑफ डेट व्हिच कैन स्ट्रेन इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड लिमिट इट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते कि रिस्क पॉइंट है आईआरबी इंफ्रा के लिए या फिर कुछ ऐसे चीजें है कि आईआरबी इंफ्रा को रोक रहा है नए प्रोजेक्ट लेने के लिए या फिर नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के डेट बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अभी अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो कंपनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो कंपनी को अभी हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले आगे चल के, कुछ इंफ्रा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका जो है बातचीत चल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट जो है आईआरबी इंफ्रा को मिल सकता है और वो कम्प्लीट करने के लिए कंपनी को फंड चाहिए, जो अभी कंपनी ने लगभग 200 मिलियन USD के आसपास कंपनी ने फंड रेज किया। एंड यहाँ पे देखते हैं तो ये जो आईआरबी इंफ्रा इसको फायदा क्यों होता है, मतलब इतना ज्यादा चर्चे में क्यों रहता है। देखिए ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, उसका एक फायदा सीधा फायदा आईआरबी इंफ्रा को होता है। अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ चेंजेस आए तो ये शेयर बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है आईआरबी इंफ्रा का उनका देखते हैं तो प्रोमोटर्स के ज्यादातर स्टेक जो है प्लेस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेक जो है प्रोमोटर्स ने यहाँ पे प्लेस्ड करके रखा है। कंपनी का डेप्ट भी बहुत ज्यादा है। आईआरबी इंफ्रा का अगर रेंज देखते हैं जो शेयर का प्राइस एक एस्टिमेट जो कि 40 से लेकर 81 के आसपास है, 40 रुपीज से लेकर 81 रुपीज के आसपास है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी हम लोग देखते हैं तो लगभग 67 रुपीज के आसपास आईआरबी इंफ्रा में जो टारगेट प्राइस शायद से देखने को मिल सकता है। अभी आप क्या क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो टारगेट प्राइस है जरूरी नहीं कि टारगेट प्राइस आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का अभी Q2 25 में कैसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है उसके ऊपर बहुत सारे चीजें डिपेंड करता है आईआरबी इंफ्रा का। अगर यहाँ पे जैसे कि सेल्स कंपनी के टोल कलेक्शन है अभी क्वार्टर में इसका इंक्रीज हुआ है, अगर ये मतलब ये सब एड होके कंपनी के रेवेन्यू वगैरह में कुछ इफेक्ट पड़े, प्रॉफिट में कुछ इफेक्ट पड़े, तभी जाके ये शेयर यहाँ से थोड़ा सा हिल सकता है, थोड़ा सा तेजी बना सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉइज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।